अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगी कि चॉप्स करी विद पोटैटोस किस तरह से बनाते हैं। उसके लिए आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। 500 ग्राम मटन चॉप्स मीट, 500 ग्राम पोटैटोस, 2 लार्ज साइज अनियंस, 1/2 कप कुकिंग ऑयल, 1 कप योगर्ट, 1.5 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट और टू टेस्ट, 2 ब्लैक कार्डमम, 3 ग्रीन कार्डमम्स, 1 टीस्पून सिनेमन स्टिक्स, 3 क्लोव्स, 7 ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, फ्यू ग्रीन चिलीज, 1 टेबल जूलियन जिंजर एंड फ्यू फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। आयल को थोड़ा सा गर्म करने के बाद इसके अंदर मैं प्याज डाल दूंगी और उसको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। प्याज जो है ये अच्छे से अभी ब्राउन हो गई है, अब मैं इसको बाहर निकाल लूंगी। हाफ कप वाटर में हम ये गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, सॉल्ट, कोरिएंडर पाउडर, चिल्ली पाउडर, ब्लैक कार्डमम, ग्रीन कार्डमम, ब्लैक पेपर, क्लोव्स एंड सिनेमन, इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब बचे हुए ऑयल में हम मसाला डालकर भूनेंगे। आफ्टर फ्राई मसाला, अब इसके अंदर मैं ये चॉप्स डाल दूंगी। अब इसको भी मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर मैं 1.5 गिलास वाटर का डाल दूंगी और इसे गला लूंगी। अब देखिए ये अच्छे से इसका वाटर भी ड्राई हो गया और चाप जो है वो सारी गल चुकी हैं। अब इसके अंदर मैं योगर्ट डाल दूंगी और इसे मिक्स करके योगर्ट का वाटर ड्राई होने तक इसे पकाऊंगी। योगर्ट का वाटर ड्राई करने के बाद अब इसके अंदर मैं ये आलू डाल दूंगी। एंड 2 ग्लास ऑफ वाटर डाल दूंगी। अब ढक्कन ढककर मैं इसको उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक आलू जो है वो अच्छे से गल ना जाए। अब हम थोड़ा सा ग्राइंडर में पानी डाल देंगे और इसके अंदर जो मैंने प्याज निकाली थी उसको डाल देंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। देखिए अब आलू जो है वो अच्छे से गल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर जो हमने प्याज पीसी थी वो डाल दूंगी और साथ ही मैं इसमें अदरक डाल दूंगी और अच्छे से चमचा चलाकर इसको ढककर थोड़ी देर और पका लूंगी। ये देखिए आफ्टर 3 मिनट्स अब ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई है, मैं इसे डिश आउट कर लूंगी। देखिए नाज़रीन, अब चॉप्स करी विद पोटैटोज मुकम्मल तौर पर तैयार हो गए हैं। आप इसको इसी तरह बनाकर लिबनानी रोटी के साथ पेश कीजिएगा, ये खाने में बहुत मज़ेदार होता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्लीज़ लाइक माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।